तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो आप सभी के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है यहाँ पे Realme के जो है नवंबर अपडेट के लिए। और फाइनली कई सारे डिवाइस को यहाँ पे नवंबर स्टार्ट हुआ नहीं कि यहाँ पे रोल आउट होना स्टार्ट कर दिया है, तो Realme के डिवाइसेस जो जो यहाँ पे हैं उनके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। एंड यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिस्कस करने वाला हूँ, फाइनली यहाँ पे कई सारे डिवाइस को Realme में जो है नवंबर का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और ऐसे में अभी आपको पता है 1 वीक भी जो है कम्प्लीट नहीं हुआ है और Realme ने यहाँ पे अपडेट देना शुरू कर दिया है। तो वीडियो को आप कम्प्लीट जरूर से देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल अभी आप देख सकते हैं आज यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 4 नवंबर है, और ऐसे में जो Realme का अपडेट है नवंबर का वो यहाँ पे रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अपडेट है Realme के कुछ यहाँ पे डिवाइसेज हैं जो कि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पे जो है रन करते हैं, तो यहाँ पे उनको अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे जो है अपडेट के थ्रू फीचर भी एड करने की कोशिश की गए हैं। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023-11 का है, मतलब 11वां मंथ मतलब कि यहाँ पे नवंबर के मंथ का सिक्योरिटी पैच है जो कि यहाँ पे रोल आउट किया गया है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नवंबर का सिक्योरिटी पैच जो यहाँ पे अपडेट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये काफी अच्छी बात है Realme के कई सारे डिवाइस के यूजर्स के लिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ Realme की जो यहाँ पे लेटेस्ट डिवाइस होती है या फिर लेटेस्ट सीरीज होती है जिसमें लेटेस्ट वर्जन रन करता है, तो Realme उनको उनके डिवाइस के कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अपडेट को प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि उन सभी यूजर्स को अपडेट ना मिले जो यूजर्स पुराने अपडेट में रन कर रहे थे, या फिर जिन्होंने पुराना अपडेट के बाद जो नया अपडेट मिलता है उसको अपडेट ना कराओ, सोच रहे हो पेंडिंग में ही रहने देते हैं अपडेट। तो ऐसे में जो जो अपडेट पेंडिंग में रखते हैं ऐसे में उन सभी यूजर्स को जो अपडेट है वो काफी ज्यादा लेट जो है देखने को मिलता है। तो जब भी अपडेट आया आप तुरंत अपडेट कर लीजिए। हाँ, लेकिन ये चीज का ध्यान जरूर से रखिए कि वो वर्जन जो है किस पे रन कर रहा है, बीटा वर्जन है या फिर स्टेबल वर्जन है। अगर बीटा वर्जन पे रन कर रहा है तो डेफिनेटली आपको एक बार सोचना पड़ सकता है, बिकॉज आपको पता है बीटा वर्जन में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कि यहाँ पे जो है होती हैं, जो कि कह सकते हैं ना भाई, जो अपडेट होता है ना अपडेट के बाद बीटा में जो है आपको सॉफ्टवेयर हैंग रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कई सारी प्रॉब्लम कुछ भी आ सकती है या फिर नहीं भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो स्टेबल वर्जन होता है तो एक तरफ स्टेबल वर्जन में ये रहता है ना कि अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन स्टेबल वर्जन आता है तो ये आप ज्यादा अपडेट करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे जिन भी यूजर्स को मिला है ये काफी अच्छी बात है कि कई सारे यूजर्स को यहाँ पे अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपको अगर नहीं मिला है तो आपको आने वाले समय में मिल जाएगा, अगर आपका डिवाइस लिस्टेड होगा तो अपडेट डेफिनेटली मिलेगा। और जिसका यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन में रन कर रहा है उनको यहाँ पे Realme का जो सॉफ्टवेयर जो कह सकते हैं कि नवंबर अपडेट है वो रोल आउट होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो ये सभी उन सभी यूजर्स के लिए काफी अच्छी बात है जो वेट करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे अपडेट को यहाँ पे करना चाहते हैं, तो उन सभी यूजर्स के लिए एक यहाँ पे अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, तो देखिए आप जरूर से चेक कर लीजिएगा आपको अपडेट मिला है या फिर नहीं मिला है, सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करके आप जो है तुरंत यहाँ पे चेकआउट करिएगा और आपको यहाँ पे तुरंत रिस्पांस मिलेगा कि अपडेट मिला है या फिर मिला। अगर अपडेट मिल गया होगा तो आप तुरंत जो है अपने डिवाइस को अप टू डेट कर लीजिएगा। और जिन डिवाइस के यूजर्स को नहीं मिला या फिर जिन यूजर्स को नहीं मिला उनको वेट करना है मिड नवंबर तक का। ठीक है, मिड नवंबर या फिर जो है 3rd वीक 4th वीक तक का वेट कर लेना है, और हो सकता है कि इसी के अकॉर्डिंग जो अपडेट है यहाँ पे उन डिवाइस के यूजर्स को जो है प्रोवाइड करवाया जाए उनके डिवाइस के कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं अपडेट के थ्रू जो कह सकते हैं कि कई सारे यूजर्स को ये अपडेट प्रोवाइड करवाया गया है। तो आप जरूर से इसको चेकआउट कर लीजिएगा अपने फोन में। ठीक है, एक बार जरूर से देख लीजिएगा अपडेट मिला है या फिर नहीं मिला है देखने को। तो दोस्तों, होपली इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड जो प्रोवाइड हो गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच।